हरियाणा के सोनीपत से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है। बता दें कि खबर के मुताबिक कहा जा रहा है कि नहर में गाड़ी गिरने के कारण मौके पर ही एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि चार लोगों में माता पिता और दो नाबालिग बच्चे शामिल थे। आपको बता दें कि मौत काफी दर्दनाक है और पानी में गिरते ही चारों लोगों की मौत हो गई थी। कार के अनियंत्रित होकर नहर में गिरने के कारण कार में सवार परिवार के चार लोगों की मौके पर मौत हुई है। मृतकों में नाबालिग लड़का और लड़की के साथ साथ महिला पुरुष भी शामिल हैं। सूचना के बाद मौके पर गन्नौर थाना पुलिस पहुंच गई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने तुरंत स्वजनों को फोन कर जानकारी भी दी है। हादसा सोनीपत जिले के गन्नौर क्षेत्र में केलाना गाँव का हुआ है। आसपास लोग भी कार को नहर में गिरे देखकर पानी में छलांग लगाते हुए दिखाई दिए। कड़ी मशक्कत के बाद कार से शीशे तोड़कर चारों को बाहर निकाला गया है। एक राहगीर ने अपनी कार में चारों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनको मृत घोषित कर दिया गया है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताजा तमाम बड़ी अपडेट से हमेशा वाकिफ रहने के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।